करेंगे आपकी एक्सरसाइज 9A जो प्रॉफिट लॉस है। फर्स्ट टू क्वेश्चन आप खुद करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन से। इसमें दिया ए टीवी वाज बॉट फॉर 18,950 एंड सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 4,780, फाइंड द सेलिंग प्राइस। यानी कि आपको सीपी दिया है और लॉस दिया है, सेलिंग प्राइस आपको निकालना है। तो इसका सीपी कितना है, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी। तो ये आपका था 18,950, ये आपका सीपी है। लॉस कितना हुआ है, 4,780 रुपीज, ये आपका लॉस हुआ है। यानी कि आप कितने का लेके आए थे, 18,950 का आप लेके आए थे, कितना आपको लॉस हो गया जब आपने सेल किया उसको, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, इसका मतलब सेलिंग प्राइस आपका कम है। यानी कि एस पी मैं लिख रहा हूँ, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी। तो इनको इसमें से माइनस करेंगे, तो माइनस कैसे होगा, 18,950 माइनस 4,780, जीरो माइनस जीरो, 15 माइनस 8 7, यहाँ से कह लिया था 8 माइनस 7 1, 8 माइनस 4 4 एंड 1, तो कितना इसका सेलिंग प्राइस है, 14,170। इसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन है, इस सेकेंड हैंड कार वाज सोल्ड फॉर 1,90,000 सोल्ड, यानी कि आपको सेलिंग प्राइस दिया है कितना है, 1,90,000। तो इसका एसपी कितना है, 1,90,000, ये इसका एसपी है। और इसके बाद इसने क्या किया है, एट द लॉस ऑफ 85,000 लॉस हुआ है इसको सेल करने पे 85,000 का, तो इसको आपको बताना है इसका सीपी कितना था। यानी कि आपने कोई चीज़ सेल की उसके ऊपर आपने लॉस भी हुआ है आपको, तो जितने आपने बेची है और जो आपको लॉस हुआ है, तो उन दोनों को हम ऐड करते हैं, तो आपका सीपी आपको मिल जाएगा कितनी की कुछ चीज़ का कॉस्ट प्राइस कितना है। तो यहाँ पे जो कार है तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, जीरो जीरो जीरो, फाइव प्लस जीरो फाइव, नाइन प्लस एट सेवन, टीन कैरी वन, उसका हाँ जो सेलिंग प्राइस है 2,75,000, ये आपका थर्ड फोर्थ। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन है फिफ्थ, जॉली सोल्ड हर लैपटॉप फॉर 20,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 1,737, 20,000 का लेके आई है उसको, जब उसने सेल किया तो इतना उसको प्रॉफिट मिल गया, फाइंड द सेल किया उसको प्रॉफिट हुआ है। यानी कि वो कितने का लेके आई थी, तो इसमें से 20,000 में से आप इसको माइनस कर देंगे तो आपका जो सीपी है वो आ जाएगा, क्योंकि 20,000 का आपने सेल किया है उसमें आपने प्रॉफिट भी कमाया है, तो उस प्रॉफिट को आप माइनस कर देंगे तो आपका सीपी आपको मिलेगा, ऐसे आप करेंगे इसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स, अब्राहम बॉट ए म्यूजिक सिस्टम फॉर 6,375 एंड स्पेंट 75 ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन, ही सोल्ड इट फॉर 6,400, फाइंड हिज लॉस, प्रॉफिट और लॉस परसेंट, प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालना है इनका। तो पहले तो म्यूजिक सिस्टम लिया कितने का था, ये आप देखेंगे कि सीपी ऑफ म्यूजिक सिस्टम तो कितने का लिया था उसने, 6,375 है शायद, हाँ ये है 6,375। तो इसके बाद इसने क्या किया है, स्पेंट 75 ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन, तो अब यहाँ पे लिख लेंगे स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ हम जैसे ऑनलाइन मंगवाते हैं, तो ऑनलाइन मंगवाते टाइम जो उसका हमारे तक पहुंचने का जो उसका खर्चा है, ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है उसको ट्रांसपोर्टेशन बोलेंगे, तो वो है इसका 75 रुपीज़। यानी कि इसका जो ओवरऑल है वो एक्चुअल सीपी कितना हुआ, एक्चुअल सीपी आपको बताया था कि ये एक टाइप का ओवरहेड है जो बाद में उसके जो प्राइस है उसमें अलग से ऐड होता है, तो हमारा जो एक्चुअल सीपी है वो कितना हुआ, इन दोनों को ऐड करेंगे, 10
कैरी वन 15, कैरी वन 4, यानी कि उसको कितने का मिला 6450 का। इसके बाद उसने कर दिया सेल, कितना सेल किया 6400। तो सेल कितने का किया उसने, तो एसपी सेल कितने का 6400, यानी कि उसको कितने मिला था वो ट्रांसपोर्टेशन के साथ 6450 का, लेकिन अब जो उसने सेल किया वो कितने का किया है 6400 का। तो उसको क्या हुआ है, तो सीधा आपको दिख रहा है लॉस हुआ है। लॉस कितना, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपको उसका जो लॉस हुआ है 50 रुपीज़ का उसको लॉस हुआ है, लेकिन हमें निकालना है लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे, पहले आपको पता होना चाहिए कि लॉस कितना हुआ है। तो इसका फॉर्मूला होता है लॉस या प्रॉफिट जो भी हो बाय सीपी, या अगर एक्चुअल सीपी है तो एक्चुअल सीपी आप लिखेंगे और मल्टीप्लाई में 100। तो इस केस में हमारे पास क्या है, लॉस हुआ है, लॉस हुआ है कितने का 50 का, और एक्चुअल सीपी है हमारे पास 6450 मल्टीप्लाई 1000। तो अभी यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे, कैंसिल हो गया ये, अब 5 से इसको कैंसिल करेंगे, 5 वन ज़ा 5, 1 बच गया 14, तो 5 2 ज़ा 10, 4 बच गया, तो 45, 5 9 ज़ा 45, यानी कि इसको आप 100 डिवाइड बाय 129, या तो इसको आप ऐसे छोड़ दें या आप इसको डिवाइड करके लिख सकते हैं, पॉइंट्स में आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे छोड़ दें तो ये भी इसका सही है, कितना लॉस हुआ है 100 बाय 129%, यानी कि थोड़ा सा मामूली सा ही लॉस है। तो इसके बाद 7th क्वेश्चन, जॉय बॉथ पेंट्स एट 128 डजन, यानी कि जॉय ने पेन लिए एक डजन कितने के 120 रुपीज के, ही सोल्ड इट फॉर 15 ईच, व्हाट इज हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। उसका जो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज है वो आपको बताना है। तो इसमें आप लिखेंगे, जैसे इसमें यहाँ पे हो जाएगा ये सीपी ऑफ पेंस कितना है 120, कितने पेंस हैं 12, तो एसपी ऑफ वन पेन कितना है 15 है, तो पेन हमने कितने लिए वन डजन में आपको होते हैं 12, तो एसपी ऑफ 12 पेंस, तो आप करेंगे 12 मल्टीप्लाई 15, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी मिलेगी 180। तो ये आपका कॉस्ट प्राइस था, ये आपका सेलिंग प्राइस है, तो आपको क्या हुआ प्रॉफिट हुआ है कितना 180 माइनस 120, यानी कि 60 रुपीज़ का। तो आप परसेंटेज कैसे निकालेंगे इसका, जब भी आपको इसका परसेंटेज निकालना है तो अभी आपको बताया था प्रॉफिट परसेंटेज, तो ऊपर आपका प्रॉफिट हुआ, नीचे आपका सीपी मल्टीप्लाई 100, क्योंकि आपको जो भी लॉस या प्रॉफिट कुछ भी होता है तो आपका वो सीपी पे डिपेंड करता है, यानी कॉस्ट प्राइस भी आपका डिपेंड होता है। तो प्रॉफिट हो गया आपका 60, कॉस्ट प्राइस था आपका 120 मल्टीप्लाई 100, 60 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 पे डिवाइड हो गया, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो आपका आ गया 50% आपका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिमी बॉट ए स्टडी टेबल फॉर 9000, सी सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, हाउ मच प्रॉफिट डिड सी मेक, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। तो इसमें क्या था कि स्टडी टेबल कितने की ली है इसने, यह है आपकी 9000 की इसने स्टडी टेबल ली है, तो इसमें आप लिखेंगे कॉस्ट प्राइस सीपी ऑफ स्टडी टेबल, स्टडी टेबल का कितना है 9000, और जो इसका प्रॉफिट परसेंटेज है तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 20%। तो परसेंटेज वाले में आपको बताया था कि आपको निकालना है अभी 9000 का 20%, क्योंकि आपका जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो आपका सीपी पे डिपेंड करता है। तो आपका प्रॉफिट कितना होगा अभी, यानी कि 20% ऑफ 9000,
20% का क्या होगा, 20/100 मल्टीप्लाई 9000, तो ये कैंसिल होगी दो जीरो से, एंड 90 की और 20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी आ जाएगी 1800, तो ये इसका प्रॉफिट हो गया। तो एसपी क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट, सीपी कितना था 9000 प्लस प्रॉफिट कितना हुआ है 1800, तो दोनों को ऐड कर देंगे 10800, ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया क्रेडिट टेबल का। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद आप देखते हैं 9 क्वेश्चन। फाइंड द सेलिंग प्राइस इफ द कॉस्ट प्राइस इज 1200 एंड लॉस परसेंटेज 25%। तो ऐसे ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप कॉस्ट प्राइस पे आपका पहले निकालेंगे 25% ऑफ 1200, तो आपको पता चल जाएगा कि लॉस कितना है। आप उसके बाद सीपी में से आप लॉस को माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट आपका निकल के आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं 10th क्वेश्चन। मिहिर बोथ 20 रिफिल्स एंड सोल्ड देम एट रुपीज 4 इच। उन्हें 20 रिफिल लिए और हर रिफिल को उन्हें 4 रुपीज में सेल किया। इफ इट हैड कॉस्ट रुपीज 50 फॉर द रिफिल्स, व्हाट वाज हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। यानी कि मिहिर को 20 रिफिल उसने लिए हैं एंड सोल्ड देम एट 4 इच, यानी कि उसने 20 रिफिल लिए, 20 रुपीज उसने टोटल कितने के लिए थे 50 रुपीज के, और सेल कितने किए हैं 4 रुपीज का एक रिफिल। तो पहले आप लिख लेंगे तो क्या होगा, सीपी ऑफ 20 रिफिल कितना है 50, और एसपी ऑफ 1 रिफिल दिया है कितना है 4 रुपीज का, एसपी ऑफ 20 रिफिल, तो 20 से इसकी मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा 80, यानी कि 50 रुपीज़ के उसने लिए थे, 80 के उसके सेल कर दिए, तो प्रॉफिट कितना हुआ है 80 - 50 30 रुपीज़, तो 30 उसका प्रॉफिट हो गया। लेकिन हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज इसका कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज इतनी क्या होता है प्रॉफिट बाय सीपी मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट कितना है इसका 30, सीपी कितना था 50 और मल्टीप्लाई में 100, 50 से 100 को कैंसिल करेंगे 2, 30 मल्टीप्लाई 2 60%, तो इसका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो होगा 60%। तो आपकी ये एक्सरसाइज और चैप्टर इसमें एक ही एक्सरसाइज है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ आया होगा। इसके बाद अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।